ghamasan.com की अपराधजनक खबरों में हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर सच शहर जहां बच्चों से चोरी कर अगवा कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। आजकल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में तस्करी के मामले दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला। इंदौर में बच्चों की चोरी और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और संगठित गिरोह द्वारा बच्चों को चुराने के बाद उनसे भीख मंगवाई जाती थी। हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता पा ली है जो बच्चों की तस्करी करता था। हुआ ये कि पंढरीनाथ पुलिस द्वारा हरसिद्धि मंदिर के पास से भीख मांगते हुए एक बच्चे को पकड़ा गया था और इस बच्चे पर दो महिलाओं ने अपना अधिकार जताया। जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो बच्चे का ये कहना था कि उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ कौन है, लेकिन उसने कहा कि कलाबाई नामक महिला ने उसे पाला है। इधर दूसरी महिला उर्मिला का कहना था कि 4 साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद उसने दूसरी शादी की और अपने बेटे को अपनी सौतेली माँ जो विष्णु की नानी है उन्हें सौंप दिया था, लेकिन सौतेली माँ अब बच्चे से भिक्षा मंगवाती है और इसी वजह से वो बच्चे को वापस लेना चाहती है, लेकिन सौतेली माँ देने के लिए तैयार नहीं है। इधर बच्चे की सौतेली माँ कलाबाई का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही बच्चे को पाला है तो उसे वे ही रखेंगी। लेकिन पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि बच्चों पर हक जताने वाली महिला कलाबाई पूर्व में नीमच और मंदसौर में बालिकाओं की तस्करी के मामले में सजा काट चुकी है। इस तरह से पुलिस इस पूरी तहकीकात में जुट गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।